अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरा महबूब है। मैं IBA में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाती हूँ और मैं वैलिडे प्राइवेट लिमिटेड की CEO हूँ। 2019 में MAO कॉलेज के एक टीचर ने इसलिए खुदकुशी की क्योंकि वो फेक न्यूज़ का शिकार हुए और उनके लिए समाजी मुश्किलें इतनी बढ़ गईं कि उनको अपनी ज़िंदगी लेनी पड़ी। 2020 में जब हम सब कोविड के लॉकडाउन में गए तो हमारा रابطہ पूरा डिजिटल सोशल मीडिया के थ्रू था और सोशल मीडिया पे देखा गया कि कैरेक्टर असैसिनेशन है तो वो हो रही है। FBR की डेडलाइन की एक्सटेंशन के ऊपर फेक न्यूज़ इतनी ज़्यादा फेक न्यूज़ वायरल हो गई कि लोगों ने अपने माली नुकसान कर लिया। इसी तरह वैक्सीनेशंस के ऊपर फेक न्यूज़ ने काफ़ी सारे लोगों की सेहत को ख़राब किया। मुझे अंदाज़ा हुआ कि फेक न्यूज़ आइडेंटिफिकेशन एक बहुत बड़ा मसला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान की लॉजिक को कॉपी कर सकता है और इसी बात को सोचते हुए मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम्स यूज़ किए और फेक न्यूज़ को आइडेंटिफाई करने की ऑटोमेशन ऑटोमेशन कर्नल बनाया जो कि वैलिडे प्राइवेट लिमिटेड का AI इंजन है। उसके बाद हमें इस सर्विस के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली। सोशली लोगों ने इसको इस्तेमाल किया और हमें बताया कि उनको किस तरह इससे इतना फ़ायदा पहुँच रहा है कि ना सिर्फ हमें उसके लिए फाइनेंशियल फंडिंग मिली बल्कि हमें 5 क्लाइंट्स मिल गए और 1 साल के अंदर अंदर हमारी रिसर्च टीम में 3 कोर रिसर्चर्स आ गए। वैलिडी प्राइवेट लिमिटेड ना सिर्फ इंफॉर्मेशन को फेक न्यूज़ आइडेंटिफाई करता है मगर अब वो प्रोफाइल्स और नेटवर्क में भी फेक इन्फ्लुएंसर्स को आइडेंटिफाई कर रहा है। इस काम को करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली है एस्पायर से। एस्पायर ने हमें कंसल्टेशन में, सॉफ्ट स्किल्स में, टेक्निकल स्किल्स में, एंटरप्रेन्योरशिप की हर स्टेज में बहुत मदद फराहम की एंड आई फील वेरी लकी टू बी पार्ट ऑफ दिस ग्रेट टीम। थैंक यू।